लो भाई फाइनली उस जगह पहुंच चुके हैं जहां से रावण की गुफा स्टार्ट होती है। अभी तो जंगल का सफर था, अब उस जगह पे जहां से मतलब मेन गुफा स्टार्ट होने वाली है। Did you have fun? So ये है पूरा रास्ता। You guys had fun? So ये पूरा रास्ता भाई खतरनाक सा। अभी ये यहीं से आए थे। हाँ ये तो और छोटी हो गई। ये भैया कैसे निकल रहे हैं? भाई बहुत गहरी है यार। गहरी तो गहरी, पतली कितनी है देखो भाई, बहुत कम जगह जा रहा है तो। भाई असलियत में जो रावण की गुफा है वो यही है, सही बताऊं तो। जो हमने कल देखी थी वो नहीं थी। अरे भाई जाने की जगह ही नहीं है, बिल्कुल मुश्किल से निकल रहा हूँ। अभी तक की मेरी लाइफ की सबसे टफ गुफा है। मतलब जब मैं सोचता हूँ ना कि अब खत्म हो गई, उसके बाद और बढ़िया रहती है। ऊपर मच्छरों ने दुखी कर रखा, छोटे छोटे मच्छर यहाँ पे लाइफ के ऊपर आ गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त हूँ। मस्त सा दिन अपना एक और नया श्रीलंका के अंदर। भाई श्रीलंका का 10th ब्लॉक होगा ये मेरे ख्याल से, लेकिन काफी मस्त से दिन निकले सारे के सारे। भाई कल ना आपने एक चीज नोटिस की होगी, हम गए थे भाई रावण की गुफाएं, पर एक गुफा को हम ढूंढ रहे थे, हमें मिली नहीं थी। वो गुफा के बारे में मैंने कल रात पता कर लिया था, पूरा रिसर्च कर लिया था। फिर मैंने सोचा था कि आज हम साउथ वाले जोन में जाने वाले हैं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया यार ये जगह हमारे हाथ से रह जाएगी, एक जगह छोड़ के जाना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो आज हम फिर से अपनी फेवरेट लोकेशन पे, मतलब पूरी श्रीलंका में सबसे फेवरेट टीके बागान के अंदर हैं भाई। आज भी यह हमारा आज लास्ट डे होने वाला है। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं रावण की वो वाली गुफा जहाँ अंदर पौंड बना हुआ है अंदर ही, और कहते हो पौंड बिल्कुल साफ है, पहाड़ों के बीच में जाकर है, तो कुछ डिफरेंट होने वाला है। वहाँ का भी कोई अच्छा इतिहास है, वहीं जाके पता चलेगा। अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, पहले चलते हैं फटाफट खाना खाने के लिए। कुछ भी नहीं खाया सुबह से, दोपहर के बज चुके हैं 12। कल रात मैंने कपड़े वपड़े धोए थे, सूखे भी नहीं है, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं आज हम रेस्ट डे ले लेते हैं, आज यहीं रुक जाते हैं, कल निकल जाएंगे। वैसे हम किसी भी जगह पे एक दिन से ज्यादा नहीं रुके, लेकिन ये हमारी जगह सबसे फेवरेट है। हम 3 दिन रुक चुके हैं इस जगह पे। भाई ये लोग खतरनाक आतंक मचाते हैं, कल रात के 3 बजे तक यहाँ गाने बजते रहे। सही में यार इन लोगों के असली लाइफ तो यही जी रहे हैं, रात को बजा बजा के कारण दूसरों को दुखी करते हैं। भाई असली लाइफ वो होती है जो बीच एरिया में जाके शांत बैठे रहो, मतलब पहाड़ों पे जाके शांत बैठे रहो, शांति लो। सो दिन में जी जितने भी खाली दिख रहे हैं आपको रेस्टोरेंट, शाम को यहाँ बैठने की जगह नहीं होती, सारे भर जाते हैं। सारे टूरिस्ट मेरे ख्याल से 4 बजे के आसपास ट्रेन से आते हैं, जिस ट्रेन से हम आए थे ना उसी ट्रेन से। तो अभी देखो सारी रोडें खाली हैं, मतलब थोड़े बहुत लोग दिखेंगे जो कल के आए हुए हैं। सो ये पी लेते हैं अपने जूसेस और अपना ब्रेकफास्ट बढ़िया से कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट नहीं ब्रंच, मतलब लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ होता है अपना, तो वो करके फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई भाई मुझे चक्कर आने लग गए हैं खतरनाक तरीके से। बस में चढ़ के आया हूँ और बस में ना ऐसे रोलर कोस्टर वाली राइड थी, मतलब जैसे अपना समझ लो मसूरी में टेढ़े मेढ़े ट्विस्ट एंड टर्न होते ना, पर मसूरी x10 कर देना, वहाँ के ट्विस्ट एंड टर्न 10 कर दोगे तो यहाँ इतने सारे थे। फाइनली हम पहुँच चुके हैं उस जगह पे जो रावण की असली गुफा है भाई, मतलब जो हम कल जगह गए थे वो असली गुफा नहीं थी, ये वाली असली गुफा है, कन्फर्म है भाई। अब सोर्स मैंने लोगों से पूछा है, लोगों ने बोला अगर तुम्हें वो असली गुफा नहीं लगी तो ये तुम्हें असली गुफा लगेगी। और अगर आप रावण केव सर्च करोगे ना एला में आके, तो वो आपको 2-2.5 किलोमीटर दूर ले जाएगा, और वो पता नहीं वो चमगादड़ की कोई गुफा में ले जाएगा उल्टी सीधी, वो वाली गुफा मुझे नहीं लगती रावण की गुफा होगी। चलो भाई चलते हैं, ऑटो पकड़ते हैं यहाँ से और इनको समझाते हैं मैं जाना कहाँ है, तो ये पूछते हैं इनसे कितने रुपये लेंगे और फिर ऑटो से चले जाएंगे वापस, पैदल आ जाएंगे। ओके हेलो ऑटो वाले भैया, हाउ आर यू? इन 600 मीटर्स टर्न राइट। वो समुंदर गुफा के अंदर 3 किलोमीटर। हाउ मच डू यू चार्ज? 700। ओहो गिव मी डिस्काउंट ब्रो, चल 550। 500 लेट्स गो। ओके ओके चलो भाई चलो चलो चलो, ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए भाई। सो लो भाई ऑटो वालों ने हमें छोड़ दिया। व्हाट इज द प्लेस नेम? लीम दिया पोपोना, ये क्या नाम है भाई, थोड़ा अजीब सा नाम है, नाम तो नहीं पता, मैं लोकेशन डाल दे रहा हूँ आप देख लेना सर्च करके, ठीक है? जगह आपको आना हो तो इस जगह पे आ सकते हो, पर एक चीज का ध्यान रखना भाई, सुबह 8 बजे से लेके और दोपहर 4 बजे बाद ये बंद हो जाती है जगह, तो 4 बजे के बाद आप अगर यहाँ पे आओगे तो आप जा नहीं सकते। प्लस एक चीज बहुत अच्छी है, यहाँ पे इतने सारे गाइड हैं, इनमें से एक गाइड हमारे साथ जाने वाला है हमें पूरा एक्सप्लोर कराने के लिए, जो रावण की गुफा है जहाँ अंदर जाके पौंड है,
और यहाँ की टिकट जो है वो है 3,000 रुपए की। अगर मैं थोड़ा छोटा बच्चा होता तो मुझे 1,500 रुपए लगते, पर कोई बात नहीं, हम पूरे बड़े बड़े हैं ना तो 6,000 रुपए देने पड़ेंगे दोनों के। दे दे भाई, इनको बोलो दिमाग चेक करे, दिमाग बच्चों वाला है। अच्छा, माय ब्रेन इज ऑफ अ किड पर्सन, कैन यू टेक 1,500 फ्रॉम मी? नो, रियल प्राइस 3,000। ओ माय बॉडी, डोंट लुक माय बॉडी, माय ब्रेन। तो ओके ओके, आई विल पे यू। सो ये देखो भाई, यहाँ पे भी जो केव बनाया ना वो भी रावण ने बनाया। वैसे एक बात नहीं समझ में आती, यहाँ पे जितनी गुफाएं रावण ने बनाई है, जितने वाटरफॉल है वो रावण ने बनाया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, रावण ही रावण सब कुछ कर रहा है यहाँ पे। चक्कर क्या है यहाँ पे ना, टूरिज्म सर रावण से रिलेटेड है, इवन होटल भी रावण के नाम से होंगे, सारी चीजें रावण के नाम से होगी, है ना? देयर इज टू मच ऑफ टूरिज्म बिकॉज ऑफ रावण। हिंदी बोले, हिंदी समझते हैं भाई, हिंदी समझते हैं। रावण की वजह से टूरिज्म बहुत ज्यादा है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अपना ही बंदा हाँ कर दे रहा है। You also say yes, yes. हम बुलवा लेंगे इनसे, yes. Brother, 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 you take torch, torch. Okay, okay. लो भाई, हमारा रास्ता चालू हो चुका है रावण की गुफा जाने का भाई, और ये रास्ता थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, तभी हमको हमारे लिए गाइड भी दिया है। गाइड भैया, गाइड भैया, एक सेकेंड। ओ, यू विल टेक अस, ब्रिंग अस बैक, यू विल टेक अस, ब्रिंग अस बैक। भाई की इंग्लिश में इतना है। ओके ओके, अब समझ में आ गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब अंकुश आराम से बात कर लेगा। अब अंकुश आराम से बात कर लेगा। मैं सही ओ, एक और फ्रेंड मिल गया, एक फ्रेंड और मिल गया हमें। हेलो, बोला ये ना क्या है, ये सारे कपड़े तक ही घूम रहे हैं यहाँ पे। यू गाइस लाइक इट? या, इट वाज नाइस, अमेजिंग। चलो भाई, मजा आने वाला पक्की बात है भाई। एक बात तो मानने की है, ये जो रास्ता है बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से लेके जा रहा है, घुमा घुमा के। चारों तरफ टेढ़े मेढ़े पेड़ है और कच्ची रोड है, देखना सारा कुछ बिगाड़ गए। क्या कर रहे हो अंकुश भाई? हमारे साथ ही मंकी चल रहा है भाई। वो सारा भूकंप आ गया ऐसा लगा। हाँ, मुझे लगा भूकंप आ गया सच्ची। लो भाई, फाइनली उस जगह पहुंच चुके हैं जहाँ से रावण की गुफा स्टार्ट होती है। अभी तो जंगल का सफर था, अब उस जगह पे जहाँ से मतलब मेन गुफा स्टार्ट होने वाली है। Did you have fun? So ये है पूरा रास्ता। You guys had fun? So ये पूरा रास्ता भाई खतरनाक सा। अभी ये यहीं से आए थे। ओ भाई, ये और भी आ रहे हैं, ये शायद दीदी आ रही है। हाँ, इन भैया की दीदी। ओके ओके, भैया की दीदी, यू हैड फन, यू हैड फन। ओके ओके, ओ नंगड़ंग भाई, ओ नंगड़ंग भाई, यू हैड फन, यू हैड फन। इट वाज एडवेंचरस, परफेक्ट। वैसे तो गुफा बड़ी खतरनाक सी लग रही है, क्योंकि बिल्कुल छोटी सी है, पर इन्हें देख के डर खत्म होता है। सो भाई, अब ये भाई ने बताया ये ना पूरी कितने, हाउ मेनी मीटर्स इनसाइड टोटल? 800 मीटर्स गहरी है ये गुफा, और 300 मीटर के आसपास जाके एक पॉन्ड सा बना, वहां तक हम जाएंगे, उससे आगे जाना सेफ नहीं है, क्योंकि गुफाएं अलग अलग जगह खुल जाती है तो दिक्कत बहुत आती है वापस आने में। तभी शायद उन्होंने गाइड्स दिए ताकि हम सेफली जाएं और सेफली आए, गलती से घूम ना जाएं। और वैसे एक बताऊं, अभी तक की सबसे महंगी जगह यही पड़ी। इतना महंगा तो रावण की लंका भी नहीं थी जितनी महंगी ये गुफा पड़ रही है। जब सोना था तो महंगी थी वो। हाँ, सोना था तो महंगी थी भाई। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, लोग निकल निकल के कहाँ से आ रहे हैं, हर थोड़ी देर बाद थोड़े थोड़े लोग आते हैं। चलो भाई, फाइनल टाइम आ चुका अपना जाने का अंदर भाई गुफा में, पूरी अंधेरी गुफा है। चलो लेके चलता हूँ आपको। ओए 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 ओए, भैया बता के गए हैं नीचे ना काई लगी हुई है, तो ध्यान से जाना, नहीं तो स्लिप होके गिर भी सकते हो, और गहरी बहुत है ना, सीधा 300 मीटर नीचे आके गिरेंगे लेक में। हाँ। इन्होंने लगभग आसान ही कर दिया, सीढ़ी बना दी ना, सीढ़ी से आराम से उतर जा रहे हैं। ऊपर से सर पे लाइट लगा देते हैं तो आराम से दिखता भी है। राइट, ओ ये तो और गहरी है नीचे, ये तो गहरापन खत्म ही नहीं हो रहा। और एक चीज देखो, ये दीवार सारी गीली है, स्लिपरी भी होगी बहुत ज्यादा। हाँ या या, हाँ ये तो और छोटी हो गई। ये भैया कैसे निकल रहे हैं? टॉर्च जल रही है। भाई बहुत गहरी है यार, गहरी तो गहरी, पतली कितनी है देखो,
तो भाई बहुत कम जगह जा रहा है तो भाई असलियत में जो रावण की गुफा है वो यही है, सही बताऊं तो जो हमने कल देखी थी वो नहीं थी। अरे भाई जाने की जगह ही नहीं है, बिल्कुल मुश्किल से निकल रहा हूँ। बाप रे नीचे और खतरनाक है भाई, रस्सी भी पकड़ने के लिए सही। भाई सीढ़ी खत्म ही नहीं हो रही है, नीचे आते आते और बढ़ती जा रही है भाई। लो भाई पहले सीढ़ी से उतरे एक बार, फिर ये दूसरी सीढ़ी से उतरे, अब रस्सियों से भी उतरना है भाई। उतरते ही जा रहा हूँ मैं तो, लग रहा पता नहीं कब पहुंचेंगे भाई। पूरी सुरंग है अंदर तक, मुझे समझ में नहीं आ रहा खुदाई करने रावण यहाँ क्यों आया। भाई यहाँ गुफा देख रहे हो ना, बिल्कुल अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ ना लोग दिख रहे हैं भाई, लेकिन पक्का नीचे गुफा में लोग होंगे, 300 मीटर गहरी है ना भाई, तो पक्का होंगे अंदर। डर मतलब बहुत ज्यादा लग रहा है भाई, पसीने भी आ रहे हैं खतरनाक तरीके से, ऊपर से स्लिप भी हो रहा है, 2-3 बार तो स्लिप हो गया मैं। भाई यहाँ अंडे पड़े हैं किसी के, मुर्गी होगी, मुर्गी इतने अंदर गुफा में करने के आई। तो भाई कहाँ लेके जा रहा है, बिल्कुल ही छोटी होगी गुफा कि अब खत्म हो गई, उसके बाद और बढ़िया जाती है। ऊपर मच्छरों ने दुखी कर रखा, छोटे छोटे मच्छर है यहाँ पे, लाइट के ऊपर आ रहे हैं, लाइट के ऊपर आ रहे हैं और काट भी रहे हैं यार, मच्छर नहीं है। भाई इतना अंदर आगे मतलब बिल्कुल नैरो सी गुफा थी, और गुफा कितनी बढ़ चुकी है अब यहाँ पे। मच्छर बहुत ज्यादा है यहाँ पे, लिमिट से ज्यादा। ओ भाई रास्ता कंप्लीट हो गया क्या? आधा हो गया, आधा हो गया, 50% अभी कंप्लीट हुआ है, अभी 50% और बचा है। पर हाँ इस गुफा को देख के लग रहा है कि हाँ ये रावण ने बनाई हुई गुफा होगी, खतरनाक है भाई, बहुत ज्यादा एडवेंचरिस्ट है, पता नहीं जिसने भी इसे ढूंढा होगा ना बड़ी मेहनत लगी होगी उसे। और यहाँ देखो लोग और भी दिख रहे हैं, वो देखो नीचे से भी आ रहे हैं। ये तो अच्छा हमारे माथे पे ये टॉर्च लगाई है, नहीं तो यहाँ तो आ ही नहीं सकता बंदा। अभी हमें कम से कम आधा घंटा हो गया चलते चलते, और अभी तक मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कहाँ तक जाना है, क्योंकि कोई जगह ही नज़र नहीं आ रही, सामने कोई एरिया नहीं है जहाँ ऐसा नज़र आ रहा हो कि ये छोर है और यहाँ पहुँचना है हमें, अभी भी आगे और जाते जाना है। हालत बिगड़ने वाली भाई, पर एक बात आऊँ सबसे ज़्यादा मज़ा यहीं आ रहा है सच्ची। सो भाई ऊपर की दीवार दिखा रहे हैं ये, प्लस भाई बड़ी डरावनी सी है, देखो रंग अलग अलग है दीवार के, पूरा कलर चेंज हो रहा है। ये पहाड़ कटा हुआ है ना तो उसकी दरारें हैं सारी। चलते भाई अभी काफ़ी नीचे और जाना है। लो भाई फाइनल डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, पर अभी आपको नहीं दिख रही होगी, बिल्कुल पास जाके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ अंधेरा बहुत है इसलिए नज़र आ रहा होगा, लेकिन वहाँ आपको लाइट नज़र आ रही है ना वही लोकेशन पर हमें जाना है। कितनी नैरो सी जगह ना देख रहे हो आप, गुफा बहुत जगहों से काफ़ी नैरो है भाई, सांसें फूलने लग गई भाई, स्लिप बहुत होते हैं यहाँ पे, पानी बहुत मतलब वैसा है, दीवारों पे भी स्लिपरी है और पैरों पे भी मतलब स्लिपरी है, हाँ काई जमी हुई है काफ़ी ज़्यादा। लो भाई साहब पहुँच चुके हैं फाइनल डेस्टिनेशन में, यहाँ दिख रहा ना आपको ये सारा पानी है ब्लू ब्लू। ओ भाई साहब खतरनाक सीन है भाई, बहुत कठिन रास्ता था लेकिन पूरा क्रॉस करके पहुँच चुके हैं भाई। अंदर कुछ फेंकना मना है पॉन्ड के लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ना गाइडलाइंस तो सारी जगह चिपकी हुई हैं, आप उन्हें पढ़ के आ सकते हो, और यहाँ पे आवाज़ काफ़ी इको रही है। हेलो सो भाई फाइनल टाइम आ चुका है, मैं घुसने वाला हूँ पॉन्ड के अंदर, और मैं जेन्युइनली बताऊँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं धरती के बिल्कुल कोर में आ चुका हूँ, बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट में। लेकिन यहाँ एक चीज़ नोटिस करो, पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अंकुश भाई अंदर घुसना एक बार, और अंदर घुसो, और घुसो घुसो घुसो, ठंडा है पानी, वो तो ठीक है ठंडा है पानी। ये भैया टॉर्च भी लेके आए, इनकी टॉर्च से काफ़ी हेल्प हो जा रही है भाई। मेरा टाइम आ चुका है अंदर जाने का पानी का, क्या आप लोग रेडी हो भाई मुझे देखने के लिए पॉन्ड के अंदर, खतरनाक मतलब धरती के बिल्कुल कोर के अंदर भाई। चलो चलते हैं, डर लग रहा है क्या? थोड़ा मुझे भी लग रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई सच्ची। चलो चलते हैं अंदर। सो दोस्तों एक बार बताऊँ, आज पता चल रहा है जो हमारे यहाँ बोर लगती है और धरती से पानी आता है वो कैसे आता है, देखो यहाँ से आता है सारा पानी, इतना धरती के नीचे ना पानी है पूरा 1 किलोमीटर नीचे। अब समझ में आया आपको, पता पूरी होती है हमारे घर में काफी डर लग रहा है यहाँ पे सच्ची।
भाई मुझे अब समझ में आया रावण को ये जगह क्यों पसंद आई, क्योंकि यहाँ शांति बहुत है ना, इसलिए रावण यहाँ के नहाता था आराम से, है ना भाई? हाँ क्या लगता है? सो भाई वैसे आपको एक बात आ रहा हूँ, मतलब पूरे श्रीलंका के अंदर अगर कोई बेस्ट जगह है ना आने के लिए तो वो ये जगह है भाई, जेन्युइनली ये आ रही होगी लोकेशन। और यहाँ आने के लिए आपको पता है क्या करना है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, पहले करना है सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर करना लाइक, और फिर करो कुछ कमेंट कैसी लगी आपको ये जगह भाई। वो मैं लेता हूँ मजे और फिर निकलते हैं फटाफट यहाँ से, थोड़ी देर कैमरा बंद करके, काफी ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे, काफी थ्रिलिंग थी, काफी एडवेंचरस थी। चलो भाई अब चलते हैं यहाँ से वापस, जितना आने में मेहनत लगी ना उतनी जाने में भी लगने वाली, क्योंकि स्लिपरी काफी होने वाला है और चढ़ते हुए और ज्यादा दिक्कत आएगी। चलो चलो भैया चलें, लेट्स गो। अंकुश भाई आ जाओ भाई, सामने आपको बर्ड्स दिख रही होंगी, मैं पास से दिखाता हूँ आपको एक बार। सो ये देखो अभी बर्ड्स दिख रही होंगे आपको, इतनी गुफा के अंदर भी बर्ड्स दिखी हमें, पर अगर देखा जाए तो इन ऑल सबसे फेवरेट गुफा मेरी यही है, पिछली बारी तो फेक थी पूरी। फाइनली दोस्तों बाहर निकल के आ चुके हैं, और एक बात आऊँ अंदर ना सांस भी ढंग से नहीं आ रही थी, यहाँ के काफ़ी अच्छी सांस आ रही है भाई, विश्वास नहीं हो रहा भाई इतनी गहरी गुफा होगी इस एरिया के अंदर भाई, काफ़ी अच्छा लगा भाई। और थैंक यू सो मच, यू टेक अस टू इनसाइड, इट वाज फन, आई लाइक इट भाई, सच्ची वर्थ इट था भाई, बेशक 800 रुपये लगे यहाँ अंदर जाने में इंडियन करेंसी में, लेकिन बेस्ट था अपना यार। चलो दोस्तों अब चलते हैं वापस की तरफ भाई, अगर मैं ये वाला दिन मिस कर देता श्रीलंका का तो काफ़ी अफसोस होता भाई, अब मुझे वर्थ लग रहा है आज रुकना। वैसे हम निकलने वाले थे आपको तो पता है बीच साइड एरिया के लिए, एग्जैक्ट साउथ वाले में पूरे श्रीलंका के, तो अच्छा हुआ नहीं गए, कल चले जाएंगे, लेकिन ये मिस नहीं होना चाहिए था भाई, जेन्युइनली अपने लाइफ का सबसे बेस्ट डे था आज, सबसे ज़्यादा मज़ा आया, सबसे एडवेंचर किया। लो भाई यहाँ पे आके ना हमारी चेकिंग की है, सही सलामत आए कि नहीं आए, गाइड हमें सही लेके आए कि नहीं आए, आए भाई आए, सही आए, थैंक यू सिस्टर जी। यहाँ आ चुका अपना रिफ्रेशमेंट भाई, पीते हैं और थोड़ी रिलैक्समेंट लेते हैं भाई। और एक बात बताऊँ मेरे भाई की सच्ची काली जुबान है भाई, मैच कैंसिल ही हो गया, ड्रॉ ही करा दिया मैच ने फिर से, वो भाई बारिश हो गई फिर से, इंदर देवता के साथ अपनी चलती है बनती है बता दे अच्छा है भाई हम नहीं गए, नहीं तो हमारी टिकट भी बर्बाद जाती, मैं पी लेता हूँ नारियल, ये सबसे बेस्ट है सही में, यहाँ काफी अच्छा मिलता है, और मैंने मतलब ये वाला कलर वाला नारियल तो यहीं खाया और कहीं नहीं खाया आज तक, खाया है मतलब नॉर्थ ईस्ट में बोलते ना पीने को खाना। सो दोस्तों यहाँ खाया जा रहा है वाटरमेलन, और काफी मजा आया भाई आज के पूरे दिन में भाई, लौट के आ चुके हैं वापस अपने मड हाउस में भाई। आपको कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ, कल जो हम जाने वाले हैं वो भाई सी कोस्ट वाले एरिया में जाने वाले हैं, और बिल्कुल साउथ वाले जोन में बताया तो है मैंने, पर काफी मजा आने वाला भाई, क्योंकि अभी तक आपने हिली एरिया देखा है श्रीलंका का, अब आप सी कोस्ट वाला एरिया देखोगे, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, अगर आप हो तो कमेंट करना, बाय बाय दोस्तों।